जंग के बीच रूस का कहना है कि उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। पुतिन की पार्टी के नेता अभय सिंह ने न्यूज 18 से इस बारे में बात की। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को सर्जिकल स्ट्राइक बताया। अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको आप एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं। और जितनी अभी जो रशियन आर्मी वहां आगे बढ़ रही है, वहां की सारी आम जनता को उसके आम जनता की भलाई को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अभय सिंह ने परमाणु युद्ध की आशंका पर भी रूस का पक्ष रखा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रूस की तरफ से कभी भी इसकी शुरुआत नहीं होगी। एक ही बात बोल सकते हैं कि रशिया पहले वार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और हमारा पर्सनल जहां तक उम्मीद है कि यहां तक नौबत नहीं आएगी।